मुसलमान क्यों करते हैं हज यात्रा? एक सच्चा मुसलमान जिंदगी भर भूखा रह लेगा, लेकिन हज की यात्रा करना नहीं भूलेगा। जी हाँ दोस्तों, एक सच्चे मुसलमान के लिए हज का वही महत्व है जो हिंदू धर्म में चार धामों को दिया गया है। तभी तो हर साल लाखों मुसलमान अपने खुदा के सामने सिर झुकाने मक्का मदीना पहुंचते हैं, जहां दुनिया का हर मुसलमान इस यात्रा पर जाने के लिए बेताब रहता है। और सच्चे मुसलमानों के लिए तो इस यात्रा को करने मात्र से ही उनकी जिंदगी के सभी मकसद पूरे हो जाते हैं। पर दोस्तों, इस्लाम के इस पवित्र तीर्थ पर जाना हर किसी के नसीब की बात नहीं है। ऐसा क्यों और हज यात्रा पर क्या क्या होता है? आखिर क्यों हर मुसलमान एक बार मक्का जाने की ख्वाहिश रखता है और यहाँ तक पहुँचने की क्या प्रक्रिया होती है? आज की इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलेगी। बस हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हम सभी जानते हैं कि इस्लाम धर्म में हज यात्रा से बड़ी इबादत कोई और है ही नहीं। तभी तो हर सच्चा मुसलमान अपने जीवन में एक बार हज की यात्रा करना चाहता है, क्योंकि इस्लाम के पांच अहम सिद्धांतों में हज भी शामिल है। उसी सिद्धांत को पूरा करने के लिए दुनिया भर के लगभग सभी मुसलमान सऊदी अरेबिया के शहर मक्का में काबा की तरफ अपना सिर करके नमाज पढ़ते हैं और अपनी गलतियों की मुआफी अल्लाह से मांगते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अल्लाह के भेजे गए पैगंबर मोहम्मद का जन्म मक्का में ही हुआ था, इसलिए मक्का शहर को मुसलमान अल्लाह का घर बताता है और इस शहर की यात्रा को हज कहा जाता है। असल में दोस्तों, इस्लाम की बुनियाद पांच सिद्धांतों पर टिकी हुई है। पहला है शहादत, दूसरा है नमाज, तीसरा है जकात, चौथा है रोजा और पांचवा है सबसे अंतिम सिद्धांत है हज। अब इनमें से चार ऐसे सिद्धांत है जिसे मुसलमान दुनिया के किसी भी कोने में रहकर पूरा कर सकते हैं, लेकिन हज करने के लिए उन्हें सऊदी अरब के शहर मक्का जाना ही पड़ता है। अब कई लोग हज शब्द को लेकर काफी कंफ्यूजन रहते हैं। तो दोस्तों, अरबी भाषा के हज शब्द का मतलब होता है कहीं के लिए निकलना, यानी कि अल्लाह के घर की यात्रा करना। हर मुसलमान का ये फर्ज होता है कि उसे अपने जीवन में कम से कम एक बार हज की यात्रा करना चाहिए। जिस तरह हर दिन नमाज अदा करना और रमजान के दौरान रोजे रखना उन्हें सच्चा मुसलमान बनाता है, ठीक उसी तरह हज की यात्रा कर वो अपने जीवन को सफल बनाते हैं और अपने सच्चे मुसलमान होने का फर्ज अदा करते हैं। दोस्तों, मक्का शहर में मुसलमान काबा की यात्रा के लिए निकलते हैं। काबा एक काली इमारत है, इसे आप लोगों ने तस्वीरों वगैरह में कई बार देखा होगा। असल में इस काली इमारत को अल्लाह का घर बताया गया है और हज की यात्रा का असल मकसद इस इमारत की इबादत करना है। जो कोई भी इस इमारत यानी अल्लाह के घर पर पहुंचकर उन्हें याद करता है, अल्लाह उसे जन्नत नसीब करता है। हज यात्रा के बारे में बात करें तो उसकी तारीख होती है साल के किसी भी महीने में या किसी भी वक्त इस यात्रा को नहीं किया जा सकता। इस्लामिक कैलेंडर की माने तो 12वें महीने के जिल हिज्जा की 8वीं तारीख से 12वीं तक हज होता है। जिस दिन हज पूरा होता है उस दिन को ईद उल अजा यानी बकरा ईद के तौर पर मनाया जाता है। हालांकि इस यात्रा पर जाने के अपने अलग ही नियम है, लेकिन अफसोस हर किसी को अल्लाह के घर जाना नसीब नहीं होता। भारी तादाद के चलते सभी देशों से हर साल केवल कुछ ही नसीब वाले मुसलमानों को सऊदी अरब के मक्का शहर में जाकर हज की यात्रा करने का मौका मिलता है। और अगर यहाँ आप पहुँच गए तब भी आपको बहुत से नियमों का पालन करना होता है। इन नियमों में सबसे पहले इरम बांधना आता है, यानी हज की यात्रा पर जाने से पहले खास तरह की पोशाक पहनी जाती है। इसे पहनने से पहले शरीर के बाल उखाड़ने या फिर कटवाने होते हैं, क्योंकि इसे पहनने के बाद इतर लगवाने से लेकर बाल कटवाने तक सारी चीजों का परहेज करना होता है। इरम बांधने के बाद बारी आती है काबा पहुँचने की। असल में हज का असली मतलब काबा इमारत की परिक्रमा करना होता है। यहाँ पहुंचकर हर मुसलमान नमाज अदा करता है और अल्लाह को याद करता है। काबा को एकता का प्रतीक माना गया है, इसलिए यहाँ आकर दुनिया भर के सभी मुसलमान एक हो जाते हैं। यहाँ तक कि सिया सुन्नी भी अपने झगड़ों को छोड़कर एक बन जाते हैं। अपनी यात्रा के तीसरे चरण में हर मुसलमान को सफा और मरवा के चक्कर लगाने पड़ते हैं। दोस्तों, सफा और मरवा दो पहाड़ियां हैं जिनके साथ चक्कर लगाते हुए हर मुसलमान को दुआ पढ़नी होती है। कहते हैं ये वो जगह है जहां हजरत इब्राहिम की पत्नी अपने बेटे के लिए पानी की तलाश करने गई थी।
मक्का से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर मीना नाम की जगह है, जहां हज पर आए सभी मुसलमान इकट्ठा होते हैं और साथ में नमाज पढ़ते हैं। इसके अगले दिन ही मुसलमानों को माउंट अराफात पहुंचना होता है, जहां वो एक बड़े से मैदान में खड़े होकर अल्लाह की इबादत करते हैं। माउंट अराफात से वापस आकर हज यात्रियों को मीना पहुंचना होता है, जहां शैतान को पत्थर मारने की रस्म पूरी की जाती है। जी हां दोस्तों, मदीना में 3 खंभे बने हुए हैं जिन्हें शैतान का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल को कुर्बान करने का फैसला कर लिया था, लेकिन एक शैतान आया और उसने उन्हें अल्लाह के बताए हुए रास्ते से भटकाने की कोशिश की, ताकि वो अल्लाह के हुक्म को मानने से इनकार कर दे और अपने बेटे को कुर्बान ना करे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हजरत इब्राहिम खुदा के लिए अपने बेटे तक को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया, वो भी एक ऐसी उम्र में जिसके बाद उन्हें कभी भी बेटा नहीं हो सकता था, और इसलिए हज की यात्रा में हजरत इब्राहिम को रोकने वाले शैतान को पत्थर मारने की रस्म अदा की जाती है। शैतान को पत्थर मारने के बाद यात्रियों को एक जानवर की कुर्बानी देनी होती है। आमतौर पर कुर्बानी देने के लिए भेड़ बकरियां या फिर ऊंट का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि अल्लाह के कही बात को पूरा करने के लिए हजरत इब्राहिम अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए थे। बस उसी कुर्बानी को याद करने के लिए जानवरों को खरीद कर उनकी कुर्बानी दी जाती है, और कुर्बानी के बाद जानवरों के मीट को गरीबों में बांट दिया जाता है। ये सारी चीजें पूरी होने के बाद यात्रा के आखिरी चरण में मुसलमानों को अपने सिर के बाल मुंडवाने या फिर कटवाने होते हैं। यहाँ तक कि औरतों को भी अपने थोड़े से बाल कटवाने होते हैं। बाल कटवाने के बाद एक बार फिर मुसलमानों को काबा की परिक्रमा करनी होती है और अल्लाह के लिए अपनी खुशकिस्मती जाहिर करनी होती है कि उन्हें हज की यात्रा करने का मौका मिला, जिसके बाद हज की यात्रा को पूरा समझ लिया जाता है। दोस्तों, हज के अलावा मुसलमानों की एक और यात्रा होती है जिसे उमराह कहा जाता है, लेकिन उमराह को साल के किसी भी महीने में किया जा सकता है। उमराह में अपनाई जाने वाली रस्में भी कम होती है, जबकि हज के लिए कई अलग अलग नियम होते हैं। वैसे तो इस्लाम धर्म में सभी उम्र के मुसलमानों को हज की यात्रा करने की इजाजत दी गई है, लेकिन नियमों के हिसाब से वो मुसलमान हज की यात्रा नहीं जा सकते जिसके ऊपर कर्ज हो। यहाँ तक कि अगर किसी मुसलमान के पास हराम का पैसा है, उसे भी हज की यात्रा करने की इजाजत नहीं होती। इसके अलावा अगर कोई इंसान कुछ खास नाराज है, तो उसे माफी मांगने के बाद ही वो मुसलमान हज की यात्रा करने के लिए निकल सकता है। और सबसे जरूरी बात तो ये है कि हज की यात्रा करने की इजाजत सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को ही दी गई है। किसी भी दूसरे धर्म के लोगों को हज की यात्रा तो छोड़ दीजिए, काबा को देखने तक का मौका नहीं मिलता, फिर चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक क्यों ना रखते हो। जो मुस्लिम महिलाएं हज की यात्रा के लिए जाती हैं, उन्हें भी कुछ खास नियमों को मानना होता है। जैसे कि हज यात्रा के दौरान महिलाओं को अपना पूरा शरीर ढक कर रखना होता है। अल्लाह के घर में महिलाओं को सफेद रंग के लिबास पहनने होते हैं। इसके अलावा शरीयत नियम के अनुसार कोई भी महिला हज पर अकेले नहीं रह सकती, उसके साथ किसी न किसी पुरुष का होना बहुत जरूरी है। इन नियम कानूनों को पूरा करते हुए हर साल लाखों की तादाद में इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग अपने खुदा के घर मक्का पहुंचते हैं। जो लोग उमरा करना चाहते हैं, वो इस यात्रा को हज से 1 महीना पहले ही शुरू कर देते हैं। कई परंपराओं को पूरा करते हुए वो 10 दिन मदीना में बिताते हैं और फिर मक्का जाते हैं। एक तरफ इस तीर्थ यात्रा में इस्लाम धर्म के लोगों को अपने खुदा से जुड़ने का मौका मिलता है, तो वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब की इस धार्मिक यात्रा से अच्छा खासा मुनाफा होता है। आंकड़ों की माने तो सिर्फ साल 2017 में ही सऊदी अरेबिया को हज की यात्रा से $940 मिलियन का फायदा हुआ। ऐसे में ये कहना गलत नहीं है कि सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी बढ़ने का एक कारण हज की यात्रा भी है। बाकी तो सऊदी अरब अच्छा पैसा कमाता ही है। दोस्तों, उम्मीद है आपको हज यात्रा से जुड़ी सारी जानकारियां मिल गई होंगी। अब आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है और आप हज की यात्रा के बारे में क्या सोचते हैं, ये सारी चीजें हमें कमेंट में बताइएगा। और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।